हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, मैथ्स टीचर। गाइस आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 8 से एग्जांपल नंबर 9, इवेल्यूएट tan 65 डिग्री डिवाइड बाय cot 25 डिग्री। तो यहाँ एंगल से हमें दिख रहा है, इन एंगल्स की हमें वैल्यू नहीं पता है, तो ये हमारे किस तरह के एंगल से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्यों? क्योंकि देखो 65 और 25 का सम हमारा 90 होता है। तो ये एंगल जब भी इस तरह के एंगल है जिन एंगल की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ही सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्वेश्चन है tan 65 डिग्री डिवाइड बाय cot 25 डिग्री। इस तरह से जब भी रेशियो में क्वेश्चन आएगा तो दो में से इसमें आपको क्या करना होता है, मेन तो पेयरिंग करनी होती है, किसी एक को चेंज करना होता है, एक को नहीं चेंज करना होता। या तो आप न्यूमरेटर को चेंज करो या फिर आप डिनोमिनेटर को चेंज करो, दोनों में आपको नहीं चेंज करना है। तो आप यहाँ पे देखो हम न्यूमरेटर में चेंज करते हैं, तो वी नो दैट 65 प्लस 25 हमारा क्या होता है 90 डिग्री। तो हमें 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना है यहाँ पे। तो 65 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस 25 डिग्री, यानी ये 60 का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ना, क्योंकि 90 दोनों का सम 90 आ रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो यहाँ पे हमें 65 की वैल्यू पुट करनी, क्योंकि ये तब तक सॉल्व नहीं होंगे जब तक ये दोनों एंगल सेम नहीं होते। मतलब ये कॉट है तो या तो यहाँ पे भी कॉट हो, या ये 10 है तो यहाँ पे भी 10 हो। तो हम 10 को कॉट में चेंज कर रहे हैं, तो 65 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो 65 इक्वल टू हमारा क्या हो गया 90 माइनस 25। तो दिस एम्प्लाइज 65 की जगह हमने लिखा 90 माइनस 25 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 25 डिग्री। फिर हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला भी पता है कि tan 90 माइनस थीटा, यहाँ हमारा क्या होता है cot थीटा होता है। ये फॉर्मूला हमें पता है, हम इसमें पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। तो tan 90 माइनस थीटा हमारा हो गया cot थीटा। तो थीटा यहाँ पे कौन है 25 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री। हमने न्यूमरेटर में ही सारा चेंज किया, डिनोमिनेटर में हमने कुछ भी नहीं किया। तो cot 25 से cot 25 कैंसिल, सेम। तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ गया 1। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आइडेंटिटीज आपको लर्न रखनी है। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि वो दोनों को चेंज कर देंगे। अगर आप दोनों को चेंज करोगे, कॉट को चेंज करोगे तो 10 हो जाएगा, 10 को चेंज करोगे तो कॉट हो जाएगा, सेम क्वेश्चन फिर से ही हो जाएगा। और ऊपर 10 कॉट था, यहाँ कॉट 10 हो जाएगा, तो सॉल्व कैसे करोगे? इसलिए आप भी जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चन करो तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें दो की पेयरिंग बनानी है। पेयरिंग में से सिर्फ एक को चेंज करना है, दूसरे को चेंज नहीं करना है। एक एंगल की वैल्यू पुट करनी है, दूसरे की नहीं करनी है, तब वो इक्वल होंगे और कैंसिल होंगे। तो अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।